पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। चांद ने कहा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो व्हाट्सअप आगे तुम लोग। हाँ जानता हूँ ये बात तुम लोग को मुझे बोलनी चाहिए। था कहाँ पर नालायक तू, कहाँ करवा रहा था अपना मुंह काला। तो देखो यार, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे कि राजस्थान की गर्मी अंग्रेजों तक को काली कर दे, और हम तो फिर भी देसी है। अबे बंद करो सालो, अमित बड़ाना का वीडियो है, कॉमन राज का वीडियो है ये। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा जादुई जहरीला शो लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद तुम और मैं क्या भैया प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोन्स भी काले हो जाएंगे। नहीं मानते? क्यों मानोगे यार, अब तो प्यार करती नहीं होंगी मुझसे, अब तो टूट गया हमारा रिश्ता। तो एक काम करो, देख के मानोगे तुम लोग, तो देखो और फिर मानो। पिशाचनी कभी मरती नहीं फिर जन्म लेती है, ले लिया मुझमें। आज से दिव्या साइलेंट और पिशाचनी वायलेंट। क्या 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 क्या? दिव्या साइलेंट और पिशाचनी वायलेंट। दिव्या साइलेंट और पिशाचनी वायलेंट। अभी ये क्या राउडी डॉटर चल रही है, और ये वायलेंट तो बाद में होगी, पहले बताओ पिशाचनी होती क्या यार। किसी के रिश्तेदार नहीं हूँ मैं, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं पिशाचनी हूँ। बी साइलेंट, सब वायलेंट। चलो छोड़ो यार, जो भी होता हो, है तो चुड़ैले ना। तो चुड़ैले कब से अंग्रेजी बोलने लग गई? नहीं मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इतने साल हो गए मगर अभी तक अंग्रेजी नहीं आई। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस? सॉरी, can you explain the difference? I mean, on Sunday you weren't very good, today you're excellent. I think today was the difference was our bowling and fielding. What did you do to make them better? The fielding in particular. What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding, you know, we had a rain other day, so actually we do nothing. मजाक हो रही है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Boys is really played well. ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अरे भाई तू क्यों रोता है, तुझे क्यों मारे हम लोग? मारेंगे तो हम लोग इनको, और पिज्जा और बर्गर खिला के मारेंगे। बस यार इंट्रो तो शुरू होने थे, इंट्रो शुरू होने के बाद करते हैं कुछ झोल झाल। ओ देसी देसी वालों, चलाओ यार। अब यार मुझे इस दुनिया में 20 साल हो चुके हैं मगर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इंडियन टीवी शो वालों का ऑब्सेशन क्या है जानवरों से। अरे मतलब जब देखो इनकी ऐसी की तैसी करने लग जाते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखते यार इन लोग की, दिन भर बेइज्जती करते रहते हैं। नहीं मानते तो देखो। मतलब इन टीवी वालों ने चुड़ैलों के सर से सांप उड़ाए, जो कि सांप कम स्पर्म ज्यादा लगते हैं। मतलब इन सांपों को देख के तो जॉनी सिंस भी कह दे अरे ये तो मेरा वाला गाना है। नहीं मतलब इफ यू नो जॉनी भाई क्या करते हैं, चलो छोड़ो यार। और कभी साले हम सिंगल लॉन्डो को चिढ़ाने के लिए, मतलब सिंगल लॉन्डो को चिढ़ाने के लिए सांपों की खुलेआम चुम्मियां दिखाते हैं टीवी के ऊपर। देखो इन्हें, नहीं देखो इन्हें, इतने अशील सांप है साले। आए राम, धर्म बस्ट कर रहे हैं ये लोग। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? गेट रूम यार, थोड़ी तो रैम करो हम पे इस दुनिया पे। सालों बता रहा हूं कीड़े पड़ेंगे तुम लोग को। और अब इतनी अशील हरकतें करवाने के बाद सांपों से साले चिपकली भी लेके आ गए यार इनके टीवी शो में। नहीं मतलब तुम्हारे इस दिव्य दृष्टि के अंदर चिपकली भी है यार। नहीं मानते तो देखो। शाबाश पाकिस्तान, मैंने तुझे पूरी तरह से चिपकली बनाई दिया। चिपकली है ये? नहीं मतलब चिपकली है ये? ऐसी दिखती है चिपकलियां? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि गत्ते से पैर बनाए इसके। साला इस चिपकली को देख के तो चिपकलियां भी चूड़े तोड़ तोड़ के रोए। अरे मतलब ऐसा कौन मजाक करता है जानवरों के साथ? मजाक हो रही है। और भाई मजे की बात ये नहीं कि अपने शो के अंदर चिपकली लेके आ गए। अरे ना ना यार, ये नॉर्मल सी बात है यार, इंडियन टीवी शो, हर इंडियन टीवी शो के अंदर होता है यार ये तो। अब तुम ही बताओ, अगर इंडियन टीवी शो के अंदर चिपकली पुली नहीं होगी तो कहां पर होगी? गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर होगी। तो ये मजे की बात नहीं है यार, मजे की बात तो ये है कि हर इंडियन टीवी शो की तरह, ध्यान से सुनना, हर इंडियन टीवी शो की तरह इस शो के अंदर भी चिपकली को अपनी घर की बहू बना देते हैं। ये थर्माकोल की चिपकली घर की बहू बन के घूमती है यार। नहीं मतलब यार तुम ही सोचो, तुम सुबह अपने घर के अंदर बैठे हो, तुम अपनी भाभी से कहो भाभी चाय लेके आओ, और फिर तुम क्या देखते हो, चिपकली चाय लेके आ रही है यार, कितना अजीब है ये। और यार ऐसा भी नहीं कि यार चिपकली ने मतलब वैसे बेकूफ बना के शादी कर ली, खुले आम शादी की यार उसने। अबे मतलब खुले आम अपनी चिपकली वाली शक्ल दिखा के फेरे लेती है चिपकली, मगर ये टीवी के घर वाले इन चूतियों को कभी कुछ समझ में नहीं आता। साला पता नहीं कौन सा केरोसिन सूंघते हैं ये लोग कि अपने बच्चों की शादी सांप नेवले गेंडे चिपकली से करवा देते हैं। अरे मतलब दुनिया में इतनी सारी औरतें, किसी को भी उठा के लेके आ जाओ, ये सांप नेवले गेंडे में क्या रखा है? और फिर जब बाद में वो सांप चिपकली नेवला गेंडा इनकी गांड पे लात मारता है तो फिर ये लोग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है इस घर में, हो क्या रहा है, क्या होगा? अब वो चिपकली मारेगी तुम्हारे जूते। साला मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इस औरत को मारो। भाई साहब अगर मेरी बीवी चिपकली होती ना तो सबसे पहले ये मरती, और उसके बाद सब कुछ चुन चुन के मारता मैं, सम्राट किलविश बन जाता मैं। अरे मतलब लड़की की शादी चिपकली गेंडे नेवले से कौन करवाता है यार? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई।
अरे मतलब ऐसे शोज देखता कौन है यार, ये नेवला चिपकली गेंडे वाले शो कौन देखता है यार। नहीं अगर देखना ही है तो एल्ट बालाजी की भू सबकी फटेगी देखो यार। खान बावना बन जाता है, तुषार कपूर गूंगा बन जाता। अच्छा हाँ यार, 28 जुलाई को सारे के सारे एपिसोड आ चुके हैं एल्ट बालाजी के ऊपर, तो जाके देखो, बिकॉज वो हॉरर भी है कॉमेडी भी है और बड़े बड़े एक्टर लाइक तुषार कपूर और बहुत बड़े बड़े एक्टर है यार, बहुत फनी है यार, मतलब मजा आया तुम्हें देख के। IDMB के ऊपर 8.6 की रेटिंग है यार, तो जाके देखो, enjoy करो, because that web series is actually fun, इससे तो बहुत बढ़िया होगी, तो जाके देखो। मैं तो बता रहा हूँ, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक करो, binge watch करो और मुझे ही बताना कैसा लगा तुम्हें, है ना, तो जाके देखो। यार तो सबके फट गए। और हाँ, वो पति से याद आया, इस चिपकली का पति, अरे भाई साहब एक नंबर का हरामी बंदा ही है, नहीं मतलब टोटल हरामी बंदा ही है, अगर हरामी पंथी का लास्ट लेवल ये है ना, तो ये भाई साहब यहाँ पर है। नहीं मानते, नहीं तुम मान भी नहीं पाओगे, छोटी मोटी बात भी नहीं है, तो देखो मैं समझाता हूँ ढंग से, मैं समझाता हूँ कि कैसे ये बंदा हरामी है। तो भाई साहब मैंने विकिपीडिया के ऊपर मुंह मार मार के इस शो की स्टोरी ढूंढी, तो सुनो एक बार। हाँ तो भाई, ये दिव्या और ये दृष्टि, ये दोनों की दोनों बहनें हैं, मतलब ब्लड सिस्टर्स। अब इसमें बड़ी कौन है छोटी कौन है ये तुम्हें घंटा भी पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता पड़ा, मगर भाई साहब दोनों हॉट बड़ी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मजाक हो रही है। हाँ तो ये दोनों बहनें बचपन में बिछड़ जाती है पता नहीं क्यों, और जब ये दोनों बिछड़ जाती है तो इनके माँ बाप मर जाते हैं पता नहीं क्यों। अब दोनों बिछड़ भी गई, अलग अलग फैमिली ने इनको अडॉप्ट कर भी लिया, मगर फिर भी ये लोग एक ही सेम घर में आ जाते हैं पता नहीं क्यों। मुझे क्या पता होगा यार, दुनिया में किसी को नहीं पता, इंडियन टीवी शो है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तुम आगे सुनो। तो इन मैडम को, यानी कि बड़ी बहन दृष्टि को, प्यार हो जाता है इन भाई साहब से। इन भाई साहब को फ्री का ऑफर मिल रहा था, तो भाई साहब को भी लव हो जाता है इन मैडम से, मगर बाद में छोटी बहन दिव्या को भी प्यार हो जाता है इन भाई साहब से। पता नहीं भाई साहब में सारे के सारे लोग क्या देख रहे की बार बार इनसे प्यार कर, मगर बाद में भाई साहब छोटी वाली बहन का दिल दुखा के बड़ी वाली बहन से शादी कर लेते हैं। सब कुछ सही है, एक लव ट्रायंगल है और भाई साहब ने बड़ी बहन से शादी कर ली, मगर थोड़े टाइम के बाद भाई साहब को पता नहीं कौन सी चुल मची, भाई साहब ने पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी कर ली, और वो भी किससे की सोचो, चिपकली से। हाँ भाई, इन दोनों प्यारी हॉट बंदियों को छोड़ के इस थर्माकोल की चिपकली से शादी कर ली। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। और हाँ एक बार सोचो, नहीं नहीं सोचो कि क्यों करवा रहे होंगे इसकी दूसरी शादी, नहीं पता, कोई नहीं यार, साक्षात इसकी मदर इंडिया, इसकी माता श्री बताएगी हमें कि इसकी शादी क्यों हो रही है दूसरी। तो आंटी जी बताओ, इसकी दूसरी शादी क्यों हो रही है। बेटा मैं दिल से चाहती हूँ कि लवण्या और तेरी शादी सफल हो, तुम दोनों इस शादी में खुश रहो, क्योंकि पहली शादी में तुझे वो खुशी नहीं मिली। पहली शादी से वो खुशी नहीं मिली? क्योंकि पहली शादी में तुझे वो खुशी नहीं मिली। आंटी जी कौन सी खुशी की बात चल रही है, बड़ी नोटी बातें चल रही है यहाँ पर। तो मुझे कोई ये बताओ कि ऐसी माँ मिलती कहाँ पर है जो कि पहली पत्नी के होते हुए भी आपकी दूसरी शादी करवा देती है। क्योंकि पहली शादी में तुझे वो खुशी नहीं मिली। अब हाँ, शादी हो गई भाई साहब की चिपकली के साथ, मगर अब सबसे बड़ी कुत्ते मारने वाली बात तो ये है कि जब स्वागत का टाइम आया, नहीं स्वागत का टाइम आया जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, तब ये भाई साहब क्रिश का गेटअप करके अपनी नई पत्नी को कमरे में अकेला छोड़ के ब्रिज के ऊपर एडवेंचर करने निकल जाते हैं। और सिर्फ एडवेंचर नहीं करते, उन्हीं दो बहनों को जो कि पहले इनके ऊपर क्रश खा रही थी, उन दो बहनों को इंप्रेस करने निकल जाते हैं। अरे यार तकलीफ क्या इसके खड़े को, अरे भाई डिसाइड कर ले क्या चाहिए तुझे, सारा का सारा मूड ऑफ कर रहा है तुम लोग का। अरे मतलब बड़ा बेवकूफ आदमी है, स्वागत के दिन ऐसा कौन करता है यार, मतलब एक जगह मुंह मार ले हर जगह मुंह मारना है तेरे को, या हमसे पूछ कितना दर्द होता है, ये भगवान क्यों करता है तू ऐसा, ऐसे भेड़ को बेमतलब कृष बना रहा है तू, और हमको शक्तिमान, शर्म वरम नहीं आती आपको। चे, 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 चे। कब तक अपने घर बैठे इंतजार करते रहेंगे, कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे, धिक्कार है हम पर। चे, चे। और भाई साहब मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई, मतलब इंडियन टीवी शो वालों को जेब से वीएफएक्स के ऊपर पैसे खर्च करने नहीं है, एक रुपए नहीं निकालेंगे वीएफएक्स के लिए, इंडियन टीवी शो वालों का बजट ही नहीं है वीएफएक्स शो बनाने के, तो क्यों बनाते हैं सुपरनैचुरल शोज, जादू वगैरह के शोज। भाई तुमसे नहीं होने वाला, जेब से खर्चे करने पड़ते हैं पैसे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर ये तो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो गंदा भी तो कर सकते हैं ना, और ये लोग गंदा ही करते हैं, मतलब इतना गंद वीएफएक्स करते हैं ये लोग, जिसे देखने के बाद तो एवेंजर्स वाले भी माफी मांग ले, नहीं मानते तो देखो। Rajni, it's a miracle. It's a miracle. Hey, you cheap kali, kya hai? चीप कली नहीं छिप कली। ए भगवान क्या ये, अरे ये देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, कोई जहर ले आओ यार मेरे लिए, मेरे चाय में चूहा मार दो, मगर मार दो मुझे, क्यों करते हो यार जब तुमसे होता नहीं है तो।
और हाँ वो एक और बात, ये सड़े थर्ड क्लास वीएफएक्स तो करते ही करते हैं, मगर नीचे भैया डिस्क्रिप्शन अलग लगाते हैं कि भैया ये चिपकली गेंडे नेवले सब कंप्यूटर से बनाए हुए हैं, नकली है ये, असली नहीं है ये, कि हम भोले भाले व्यूवर्स इनके चिपकली गेंडे नेवले को देख के डर ना जाए और अपनी पंखे से लटक के जान ना दे दे। अरे थोड़ी शर्म कर लो साला, इनको देख के तो मेरी बकरी तक ना डरे, कितना काटोगे जनता का? जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी, मजाक हो रही है। अब बस यार मुझसे और सेंड नहीं होता यार, बस आज के लिए इतना, यही पर खत्म करते हैं वीडियो। तुम क्या चाहते हो, मरवर जाऊं मैं? तो बस यार आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कर दो वीडियो को और बताओ यार मुझे कि तुम्हें ये कमबैक वीडियो कैसा लगा। मेरे को पता है मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, जो कि कुछ कारण थे उसके पीछे भी। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं किस लिए राजस्थान गया था और वहां पर क्या काम कर रहा था और किस चीज के ऊपर काम कर रहा था, और जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ी देर वेट करो बिकॉज वो सरप्राइज रिवील होने वाला है। तो कुछ सरप्राइज है मेरे पास आप लोग के लिए जो मेरे को रिवील करना है, बट थोड़ा टाइम और लगेगा बिकॉज वो एंडिंग चीज पे चल रहा है, लाइक लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो बट या आई विल रिवील इट एज सून एज पॉसिबल, तो थोड़ा वेट करो और ऐसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो मुझे, क्योंकि अगर तुम फॉलो करोगे तो ऐसे फ्यूचर में कभी भी कुछ चीज हुई तो मैं अपडेट करता रहूंगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, या यूट्यूब पे अपडेट करना बहुत मुश्किल है, बट इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, तो फॉलो कर दो इंस्टाग्राम के ऊपर @thomasraj। तो अगर यार तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो तुम्हारी किस्मत भी केकड़े की तरह चमक जाएगी, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो उन लोग के साथ जो कि शो को देखते हैं या जिस शो को नहीं देखते, अगर देखते होंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये शो बहुत जहरीला है, हमें इससे दूर जाना चाहिए, और अगर नहीं देखते होंगे तो ये समझ जाएंगे कि भाई ऐसे शो से दूर रहो तो फायदा है, यू नो प्रॉफिट। तो शेयर से क्या होगा, शेयर करने से तुम दुनिया का कल्याण करोगे, तो प्लीज शेयर करो यार वीडियो को, इससे यू नो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो शेयर कर दो। और अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, नहीं कर क्या रहे हो बताओ, वहां पर इतने सारे मीम्स आते हैं, डीएम के मैं रिप्लाई कर देता हूं। और उसके अलावा अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करोगे ना तो बता रहा हूं तुम्हारी पत्नी चिपकली होगी। हां लड़कियां सोच रही होगी कि हम बच गए, नहीं तुम भी नहीं बचे, तुम्हारा पति चिपकला होगा। तो प्लीज फॉलो मी @thecommercialraj कर दो यार, करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो, कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द सब्सक्राइब करो चैनल को और पार्ट हो कॉमन स्क्वाड का, बिकॉज कॉमन स्क्वाड इज द लेटेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट, तो किसका इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, ऑसम पीपल।